चलिए आज हम एक मजेदार जादुई वर्ग पहेली हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हल करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास इस तरह से एक वर्ग बना है जिसके अंदर छोटे छोटे नौ वर्ग हैं दोनों में। ठीक है, और इसके लिए निर्देश यह है कि इसे आड़ी, खड़ी या तिरछा, इस तरह से या इस तरह से या तिरछा, यहाँ और यहाँ, इन तीनों वर्गों का जो योगफल है, योगफल मतलब जोड़, 18 मिलना चाहिए। ठीक है, इसे हमें इस तरह से संख्या भरनी है कि इनका जो जोड़ है वह कितना होना चाहिए, 18। यहाँ पर योगफल जो है 33 होना चाहिए, जोड़ 33। तो चलिए इसे कैसे हम सरल तरीके से हल करते हैं सीखते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में देखिए हमारे पास यहाँ इस तरह से जोड़ना है तो दो डिब्बे खाली हैं, यहाँ भी दो डिब्बे खाली हैं, यहाँ भी दो डिब्बे खाली हैं, यहाँ भी दो डिब्बे, इस तरह से जोड़े तो ये तो पूरा खाली है। हमारे पास एक ही संख्या है, एक ही खड़ी लाइन है जिसमें दो डिब्बे भरे हुए हैं और एक खाली है, तो हम योग वहीं से हल करना इसे वहीं से शुरू करेंगे जहां एक डिब्बा खाली हो। ठीक है, और इन तीनों का जो योग है वह कितना आना चाहिए, 18। तो चलिए पहले जो दो हैं उसे जोड़ लेते हैं, उन दोनों का योग कितना होता है, 9 और 7। 9 और 7 कितना होगा, 9 और 7 होगा, जोड़िए, 9 और 7 होगा 16। ठीक, 16 तो हमें मिल गए। ठीक है, अब उसमें कितना मिलाएं कि वह 18 हो जाएगा, 16 में कितना मिलाएं तो 18 होगा, तो वह होगा 2। ठीक है, तो इसमें अगर हम 16 में 2 जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है 18, तो यहां आ गया 2। जोड़ कर देख लीजिए, 9 और 2 11, 11 और 7 18, तो यह हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास योग आना चाहिए 18 और इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 9 और 7 16, तो 16 घटा दीजिए तो यह आ गया 2 0, तो यह आ गया 2। ऐसा भी हम कर सकते हैं। चलिए यह तो पूरा हो गया, अब देखते हैं इसे, ये तो नहीं बन सकता, ये भी नहीं बनेगा, ये हमारे पास इस तरह से भरते हैं तो ये खाली है, तो देखते हैं यह कितना है, यह हो गया 10 और ये 2, 10 और 2 12, 12 में कितना जोड़ेंगे तो 18 होगा, जोड़िए, 13 14 15 16 17 18, तो हमने जोड़ा कितना, 6, तो यहां लिख देते हैं 6। एक बार और जोड़ कर देख लीजिए, 10 और 6 16, 16 और 2 18, तो यह भी हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा बन सकता है, ये तो दो जगह खाली है, यहाँ भी, हाँ, लेकिन जो तिरछी है वह बन सकता है, ये, ठीक है, यह भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे पहले पूरा कर लेते हैं, 9 और 6 9 6 15, और 15 में कितना जोड़ेंगे तो 18 होगा, तो 16 17 18, तो 3 जोड़ना पड़ा, तो यहाँ लिख लेते हैं 3, जोड़ कर देख लीजिए, 3 6 9 और 9 18, यह भी बन जाएगा, लेकिन इसे पूरा कर लेते हैं पहले। ठीक है, 7 6 7 और 6 13, और 13 में हमें 18 लाना है, तो कितना मिलाना होगा, 5 13 5 18, तो यहाँ हो जाएगा 5, यह भी पूरा हो गया। अब बचे 2, इस तरह से इसे नहीं भर सकते, इसे लेते हैं, 7 3 10, और 10 में 8 मिला दो तो 18, यह भी पूरा हो गया। उसी तरह 9 5 14, और 14 और 4 18, अब इसे भी देख लीजिए ये होता है कि नहीं, 8 6 14 14 4 18, तो इस तरह से यह हमारा जादुई वर्ग पूरा हुआ जिसमें हमने आड़ी जोड़ने पर भी हमें 18 मिल रहा है, खड़ी जोड़ने पर भी सभी ब्लॉक में 18 मिल रहा है, और तिरछी जोड़ने पर भी हमें
क्या मिल रहा है 18। तो ऐसे पहेलियों को हमें इसी तरह से हल करना है, जहां कोई एक वर्ग खाली होगा वहीं से हमें जोड़ना शुरू करना है, ठीक है। चलिए एक और वर्ग पहेली है जिसमें हमें कंडीशन दिया है कि योग फल मतलब जोड़ 33 आना चाहिए। अब जैसे यहाँ हमने यहाँ से जोड़ना शुरू किया था भरना, यहाँ से हम नहीं कर सकते, इसे कहाँ से करना होगा? इसमें देखते हैं, हमने ये दोनों वर्ग भरे हुए हैं, एक ही खाली है, तो जहाँ एक खाली होगा वहीं से हमें भरना शुरू होगा शुरू करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 10 और 14 कितना होगा 24। अब 24 में कितना मिलाएंगे तो 33 होगा, गिनकर देख लीजिए। 24 में हमें 9 मिलाना होगा, या उस 33 में हम 24 को घटा कर भी देख सकते हैं, या 13, अरे तो 13 में से 4 किया 9, तो यह हो गया 9, यह हमारा पूरा हुआ, 33 मिल गया। अब ये देखिए, ये दोनों भरे हुए हैं, ये खाली, तो इसको पूरा करते हैं, चलिए 33 आना चाहिए, तो 13 और 9 कितना हुआ, 13 और 9 22, 22 में कितना जोड़े तो 33 हो जाएगा 11, बट जोड़ कर देख लीजिए, 11 9 20, 20 और 13 33, मिल गया 33। अब यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, ये देखिए तिरछी, और इसे देखिए, ये दोनों में एक एक ब्लॉक कर दिए, तो चलिए इसे पूरा करते हैं, 14 और 11, 14 11 25, 25 में आप कितना मिलाए तो 33 होगा, 25 में 8, तो यह हो जाएगा यहाँ 8, ये भी हमारा 33 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इस तिरछी लाइन को भी देख लेते हैं, 1 2 3 ये खाली है, 10 और 11, 21, 21 में 33 लाने के लिए 12, तो यह हो गया 12, इसे भी जोड़ कर देख लीजिए, 10 11 21 और 12, यह भी हमारा हो गया 35। अब हमारे पास बचा ये, ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 14 और 12, 14 12 हो गया 26, 26 और यह हो गया 7, तो 33, यह भी हमें 33 मिल गया, 33 तो हो गया। इसको देखते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से, तो जहां से मिले 11 7 18 18 और 15 37, यह भी हो गया 33, इसे भी देख लीजिए, 10 15 25 8 33, यह भी 33, ठीक है। तो 33 33 33, ये भी हमारा 33 मिला, ये भी ऐसे, तो 13 25 8, ये भी 33 हो गया, ये तो लिखा हूँ 33, ये 33। तो इस तरह से हमें जादुई वर्ग को हल करना है, कोई 3 वर्ग भरे होंगे और हमें उस वर्ग से शुरू करना है जिस लाइन में केवल एक वर्ग खाली हो, और वहां से हम जैसे जैसे हल करते आगे बढ़ेंगे, धीरे 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 जो वर्ग हैं वह भरते जाएंगे और हमारा यह जादुई वर्ग पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पहले से कोई कंडीशन होगा, जैसे हमने यहाँ बता दिया कि योगफल 18 है, इसमें हमें बताया गया कि योगफल 33 आना चाहिए, तो ऐसे और हम वर्ग स्वयं बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे यह मैं कल आपको अगली कक्षा में बताऊंगा कि हम जादुई वर्ग स्वयं कैसे बना सकते हैं और स्वयं बनाकर उसे कैसे हल कर सकते हैं।